एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने शुक्रवार रात बताया कि आजम खान के घर में पोतली फेंकने वाला शख्स मानसिक रूप से कमजोर है। उसने आसपास से कूड़ा करकट और इस तरह के कपड़े को एक जगह इकट्ठा करने के बाद पोतली बनाए और फिर इसे उनके घर में फेंक दिया। आरोपी को इलाज के लिए मानसिक रोगों के अस्पताल भेज दिया गया है। एसपी ने बताया कि आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और उनके घर पर गार्ड तैनात है। ऐसे में पोटली फेंके जाने की घटना के चलते सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले पुलिस सूत्रों ने बताया था कि आजम खान के आवास में गुरुवार को एक व्यक्ति ने काली पन्नी में लिपटी पोटली फेंकी और इसमें लाल कपड़ा एवं जादू टोने से जुड़ी सामग्री मिलने की बात बताई जा रही है। इस पोटली को फेंकने वाला खान के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में नजर आ रहा था। खान की पत्नी एवं पूर्व सांसद डॉक्टर तजीन फातिमा ने रामपुर के एसपी को पत्र लिखकर इस घटना के पीछे षड्यंत्र की आशंका जताई है। फातिमा ने अपने पत्र में सवाल उठाया कि जब उनके आवास पर 24 घंटे वाई श्रेणी की सुरक्षा तैनात है तो ये घटना कैसे हुई। उन्होंने पत्र में लिखा, बेशुमार झूठे मुकदमे लगाकर रामपुर को बर्बाद करने वाला प्रशासन किसी भी हद तक जा सकता है। अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि गुरुवार देर रात सूचना मिली थी कि आजम खान के आवास पर एक पोटली फेंकी गई है और उस पोटली में टोपी एवं कुछ कपड़े हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के अनुसार यह घटना सुबह 6:17 पर हुई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पोटली को अपने कब्जे में ले लिया है।